हेलो एम टू वाले आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूं वो टॉपिक पढ़ लो आपको बहुत हेल्प होगा कम टॉपिक पढ़ो मार्क्स ज्यादा आएंगे नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं एक ही टॉपिक पढ़ते रहते हैं एक ही यूनिट पढ़ते रहते हैं और बाद में देखते कुछ भी टॉपिक मार्क्स कवर होते नहीं तो बेटर है हर एक यूनिट में से दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक पढ़ लो जिससे आपको ज्यादा टाइम होगा टाइम मिला और यूएस आके एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक ऐड कर दे जाना मिनिमम कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए तीन तीन मैं आपको सजेशन देता हूँ ये एमसीक्यू का तो एक पास करने के लिए होता है आपको और उसमें भी कौन से पार्ट आता है मैंने जो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम के पहले लेने आलो वही आप एम करके जाना यूनिट थ्री बहुत सारे बच्चों को डर ही लगता है तो इसमें क्या करना है चुपचाप गामा फंक्शन डीएस वन और रिडक्शन के जो सम करके दी वही पर अब ऐसा करो मेरा सजेशन है बीटा वगैरह बाद में करो जनरली गैमा और डीवाइस साथ में आता है आयदन में तो इस टाइप से पेपर आता है रिडक्शन कंपलसरी आते हैं लास्ट तीन दो चारों क्वेश्चन पेपर में रिडक्शन तो बच्चे लोग रिडक्शन को हाथ लगाओ मैंने जो सम करके दिए ना छह से सात सम करके दिए क्रैश को उसमें बेस्ट सम्स है और ऐप में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो ऐप में दिया हुआ है ठीक है तो कम से कम कौन से तीन टॉपिक बोला रिडक्शन ग्यामा ये एक साथ आते हैं। उससे बाद में यूनिट थ्री को ट्रेसिंग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग ये टॉपिक को करते ही नहीं आ, कौन सा पार्ट है आपको आता है पैरामिटिक पैरामिटिक छोड़ना नहीं पैरामेट्रिक को भी आपको फिक्स मार्स देते हैं पैरामेट्रिक रोज और कंडीशन ये तीन पार्ट आप जरूर करिए ये तीन टॉपिक कर लो आपका काम ही हो जाएगा थोड़ा याद करने का ट्रिक्स दिए रूल्स कैसे याद करना है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा है आप वो पार्ट जरा रिकॉल कर लो अगर वो करेंगे तो सब बच्चों को कौंटे अच्छा लगेगा और वो चीज मैंने ऐप में दिया हुआ है या क्रैश कोर्स में दिया हुआ है उसके बाद में फेमस टॉपिक जॉमेट्री कोन और सिलेंडर की मैंने जो दो दो सम करके दिए ना बच्चे लोग लेकिन स्पीयर में मैंने दो फॉर्मेट के सम करके दिए टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेकंड प्लेन टच इज दर एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये दो समझ रख के जाना काम हो जाएगा आपका लेकिन कौन सिलेंडर जरूर करो जो मैंने क्रैश कोस मिले वही सम करो या रेगुलर बैच में भी मैंने वही सम लिए तो बहुत कम लोग करते लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमने एरिया वॉल्यूम और डबल डबल का पार्ट अब जरूर करिए टाइम मिला तो सीजीएमआई करिए इसके सम भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मिनिमम हर एक टॉपिक में से तीन चार तीन चार टॉपिक करो इससे आपको यूनिट अटेव होगा और जल्दी करिए एग्जाम के अगले दिन पढ़ोगे तो गड़बड़ जाएगा जल्दी निर्ण निर्ण करो आराम से करो मैंने बताया आज प्लानिंग बताया आप प्लान करो कौन से टॉपिक कितने दिन में खत्म करना है तो आपको बहुत हेल्प करेगा थैंक यू बेस्ट बेस लक और कुछ प्रॉब्लम आए डिटेल देखना है वीडियो लेक्चर्स आपके पास है थैंक यू